नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से बिहार न्यू राशन कार्ड आवेदन के रिगार्डिंग जो है सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त की निकल कर आ रही है। अब जो है आप लोग जो है साल के 12 महीने जो है आप लोग जो है नया राशन कार्ड जो है अब बनवा सकते हैं। यहाँ पर बिहार सरकार ने यहाँ पर साफ साफ जो है यहाँ पर घोषणा कर दिया है कि अब जो है बिहार के कोई भी लाभार्थी जो है गरीब लाभुक परिवार जो है यहाँ पर अपना नया राशन कार्ड जो है साल के 12 मास जो है यहाँ पर आप लोग जो है नया राशन कार्ड के लिए जो है आप जो है आवेदन कर सकते हैं आरटीपीएस काउंटर से। यहाँ पर अब आप लोग घर बैठे ही आप लोग मोबाइल फ़ोन से ही आप लोग हमेशा के लिए जो है आप राशन कार्ड जो है बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से। ये प्रक्रिया कब से चालू होंगे यहाँ पर बिहार सरकार ने साफ साफ जो है यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि अब जो है बिहार राशन कार्ड जो है अब हमेशा के लिए जो है अब बनेंगे। पहले का नियम जो है यहाँ पर हटा दिया गया है। बहुत ही बड़ा जो है बिहार न्यू राशन कार्ड आवेदन में जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो सारा जानकारी जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को डिटेल में देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक जो है आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके एवं सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो आप लोग समझ पाएंगे और आप लोग कहां से और कैसे जो है मोबाइल फ़ोन से आवेदन करेंगे ये भी जो है आप लोग को प्रक्रिया जो है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। पर सबसे पहले मैं ये नोटिफिकेशन को जो है आप लोग को मैं दिखा देता हूं यहां पर क्या क्या जो है यहां पर अपडेट किया गया है। तो ये जो न्यूज़ है यहां पर जी न्यूज़ हिंदी के माध्यम से जो है ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। यहां पर बिहार राशन कार्ड अपडेट, अब जो है आप लोग वोटर कार्ड की तरह जो है बनेगा राशन कार्ड, सरकार ने ओपन किया सिस्टम। अब जो है पहले का नियम जो है यहाँ पर हटा दिया गया है। बहुत ही बड़ा जो है न्यू राशन कार्ड में जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या क्या जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है, आप लोग ये प्रक्रिया जो है सारा का सारा जो है यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या क्या जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है। बिहार राशन कार्ड समाचार, खाद्य सुरक्षा पत्रता रखने वाले व्यक्तियों को पूरे साल राशन कार्ड बनता रहेगा, यानी कि जो है साल के 12 महीने जो है आप लोग राशन कार्ड बना सकते हैं। अब पहले का प्रक्रिया जो हटा दिया कि जब जो है यहाँ पर आवेदन शुरू होंगे आरटीपीएस काउंटर पर तब जो है आप लोग बना सकेंगे, ये प्रक्रिया जो हटा दिया गया। अब जब चाहे तब जो है आप लोग राशन कार्ड बनवा सकते हैं। पूर्व की बंदिशों हटा दी गई है, यानी कि पहले की जो है यहाँ पर बंदिशें जो है यहाँ पर हटा दी गई है। राशन कार्ड ठीक वैसे बनेगा जैसे जो है वोटर कार्ड बनता है, यानी कि जैसे वोटर कार्ड जो है बनता है हमेशा वैसे जो है आप लोग हमेशा जो है राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ जो है बिहार सरकार ने यहाँ पर ऐलान कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बिहार सरकार ने राशन की राशन पॉलिसी में 12 बदलाव किया है। कोई भी गरीब व्यक्ति कभी भी किसी भी समय जो है अपना राशन कार्ड बनवा सकता है। साल भर राशन कार्ड बनाया जा रहा है। पूरा सिस्टम को जो है ओपन कर दिया, यानी कि पूरा सिस्टम को जो यहाँ पर चेंज कर दिया है, यहाँ पर नया सिस्टम जो यहाँ पर ओपन किया है। खाद्य सुरक्षा पत्रता रखने वाले व्यक्तियों को पूरे साल राशन कार्ड बनता रहेगा। पूर्व की बंदिशों को जो है यहाँ पर हटा दी गई है। राशन कार्ड ठीक वैसे बनेगा जो यहाँ पर वोटर कार्ड बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो है पूरे साल बनेगा राशन कार्ड। अब देखिए यहाँ पर राशन कार्ड नोटिफिकेशन, यहाँ पर देखिए खास एवं उपभोक्ता संरक्षण सचिव विनय कुमार ने बताया कि बिहार देश में पहला ऐसा राज्य है जो गरीबों के राशन कार्ड बनाने में जो है उदारता दिख रहा है। देश का बिहार प्रथम राज्य है जो साल राशन की राशन बना रहा है। पिछले साल हमने रिकॉर्ड तोड़ नए राशन कार्ड बनाए। लॉकडाउन के समय में जो है बिहार गवर्नमेंट ने जो है 23.5 लाख जो है नए लाभार्थियों को जो है राशन कार्ड दिया। बिहार सरकार ने लॉकडाउन में जो है यहाँ पर 23.5 लाख जो है नए लाभार्थियों को जो है राशन कार्ड बनाकर दिए, जबकि जून के बाद दिसंबर में जो है 2020 तक 1 लाख और नए कार्डधारी जो है बनाए गए। बिहार में कुल जो है 1.76 करोड़ राशन कार्डधारी है जिन्हें हर महीने जो है अनाज दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन में जो है 23.5 लाख जो है नए राशन कार्ड बनाए गए थे और यहाँ पर दिसंबर में भी यहाँ पर जो है मैं आप लोग को पिछले वीडियो जो है आप लोग देखे होंगे तो आप को पता होंगे कि मैं हमेशा जो है राशन कार्ड के रिगार्डिंग जो है आप लोगों को जानकारी देता ही रहता हूं। दिसंबर में भी यहां पर 1 लाख जो है नए राशन कार्ड जो है बनाए गए हैं। तो
अब जो है आप लोग को कहाँ से और कैसे बनवाना है तो ये प्रक्रिया जो है आप लोग समझ। अब देखिए आप लोग घर बैठे मोबाइल फोन से जो है आप लोग नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग को जो है यहाँ पर किस साइट पर आना है, तो यहाँ पर जो है आप लोग को serviceonline.bihar.gov.in पर जो है आप लोग को आ जाना है। जैसे आप लोग इस साइट पर आएंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो है आप लोग को RTPS सेवाएं जो है यहाँ पर जो है दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, नीचे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं, तो यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है इस पर दो यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा। जैसे में यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं नया राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन, राशन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन। अब देखिए अब जैसे इस पर जो है आप लोग क्लिक कीजिएगा तो कमिंग सून जो है लिखेंगे। अभी फिलहाल में जो है आप मोबाइल फोन से है नया राशन कार्ड के लिए जो है आप लोग घर बैठे आवेदन नहीं कर सकते हैं, नहीं आप लोग सुधार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को जो है बिहार सरकार ने जो है यहाँ पर बहुत जल्द जो है यहाँ पर चालू करने वाली है, क्योंकि जो है अब आप लोग घर बैठे ही यहाँ पर नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं, आप लोग खुद से जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप लोग खुद से आवेदन कीजिएगा उसके बाद जो है आप लोग को ब्लॉक में जाना होगा, वेरिफिकेशन जैसे करवाएंगे वैसे जो है आप लोग को जो है अगर आप पात्र होंगे तो आपको जो है नया राशन कार्ड जो है निर्गत कर दिए जाएंगे, आपको जो है नया राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जैसे में आप लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर राशन कार्ड की ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दिया गया है, वहाँ पर जो है सारे लाभार्थियों जो है खुद से जो है ऑनलाइन ही अपना घर बैठे ही राशन कार्ड बना रहे हैं, उसी तरह जो है बिहार सरकार ने भी यहाँ पर शुरू करने वाली है बहुत जल्द। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है, अभी लिंक को जो है यहाँ पर चालू नहीं किया गया है। अब जो है अगर आप लोग को अभी फिलहाल में नया राशन कार्ड बनवाना है तो अभी जो है आप फिलहाल में जो है प्रपत्र क फॉर्म को जो है फिलअप करके जो है आप लोग को RTPS काउंटर पर जो है उस फॉर्म को जमा करवाना होगा, उसके बाद जो है आप लोग RTPS काउंटर से जो है आप लोग नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप लोग को सुधार करवाना है तो आप लोग को प्रपत्र ख फॉर्म को जो है आप लोग को फिलअप करके उसमें डॉक्यूमेंट लगाना होगा, आप लोग को एक अफिडेविट बनवाना होगा, आप लोग को शपथ पत्र जो लगाकर RTPS काउंटर पर जो है जमा करना होगा पूरा डॉक्यूमेंट के साथ, आप लोग का जो है वहीं से आप लोग को फिलहाल में राशन कार्ड बन पाएगा। अभी जो है आप लोग यहाँ पर घर बैठे राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप लोग को प्रपत्र क एवं ख फॉर्म जो है कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, सारा प्रक्रिया जो है एक वीडियो में मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, सुधार के लिए अलग बनाया हूँ और नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जो है अलग वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक जो है आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में जो है स्क्रीन पर ओपन होगा, उस लिंक पर जो है आप लोग उस वीडियो पर दबाकर जो उस वीडियो को देखकर आप लोग जो है आसानी से नया राशन कार्ड के लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल में जो है आप लोग RTPS काउंटर से ही आवेदन कर पाएंगे। अभी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोमिंग सून जो है यहाँ पर दिख रहा है, जो है काफ़ी सारे लाभार्थियों ने जो है यहाँ पर कमेंट करेंगे कि कब से जो है घर बैठे राशन कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे, कब से जो है ये लिंक चालू होगा। तो यहाँ पर जो है बिहार सरकार ने यहाँ पर जो है ऑफिशियल डेट जो है यहाँ पर जारी नहीं किया है, नहीं अनाउंसमेंट किया है कि इस दिन से जो है यहाँ पर इस लिंक को जो है चालू कर दिया जाएगा, उस दिन से जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल डेट जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट अभी सरकार की तरफ से नहीं की गई है, जैसे यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट होगी या लिंक को जो है यहाँ पर चालू किया जाएगा वैसे मैं आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बनाकर राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करके मैं लाइव प्रूफ के साथ एक वीडियो बनाकर आप लोग के बीच जो है प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग आसानी से देखकर जो है आप नए राशन कार्ड जो है घर बैठे आसानी से जो है आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो फिलहाल में जो है आप लोग RTPS काउंटर से ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेवाएं जो है यहाँ पर दिया गया है serviceonline.bihar.gov.in इस साइट पर जो है आप लोग बहुत सारे सरकारी योजना का लाभ जो है इस साइट से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा प्रमाण पत्र जो है आप लोग यहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ऐसे कुछ सारे प्रमाण पत्र जो है अभी कॉमन सून जो है यहाँ पर दिख रहा है, अभी उस लिंक को जो है चालू नहीं किया गया है, लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, यही जो है बिहार सरकार की तरफ से जो है राशन कार्ड के रिगार्डिंग जो है खबर निकल कर आ रही थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।